आत्मा कितने प्रकार की होती है? आत्मा माना सोल, रूप। आत्मा जैसे मनुष्य आत्मा है, देवात्मा है, परमात्मा है, दुरात्मा है, पापात्मा है, जीवात्मा है। 84 लाख योनि की आत्मा अलग अलग प्रकार की है। तो ये आत्माओं का सर्जन कैसे होता है? जैसे एक मनुष्य आत्मा होती है तो वो कई सर्जन करती है, उसकी पीढ़ियों में मनुष्य आत्मा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसे मछली होती है तो बड़ी मछली से छोटी मछली बनती बनती, ऐसी कई प्रकार की ढेर आत्मा है। आत्मा की करोड़ों प्रकार की योनि बताई गई है, अलग अलग प्रकार की आत्मा। तो आत्मा माना साइंस के हिसाब से पावर, पावर माना चैतन्य शक्ति। आत्माओं में किसी की आत्मा में 1 वॉट की पावर है, किसी में 10 वॉट की पावर है, किसी में 100 वॉट की, किसी में 1000 की, किसी में 1 लाख वॉट की, किसी में करोड़ों वॉट की भी पावर है। तो जितनी पावर होती है इतनी आत्मा अलग 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 कैपेसिटी में जाती है। आत्माओं का कई प्रकार का वर्णन है, कितने जो आप सोच भी नहीं सकते इतने प्रकार की आत्माएं हैं। देवात्माओं में भी कितने प्रकार की आत्मा है, परमात्माओं में भी कितने प्रकार की आत्मा है। तो केवल परमात्मा का भी रचयिता परमपिता है, परमपिता एक है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी एक है। तो परमपिता ने परमात्माओं को रचा, परमात्माओं ने देवात्माओं को रचा, देवात्माओं ने फिर कितने प्रकार की आत्माओं को रचा। तो ये रचना जो है, आत्माओं की रचना कैसे होती है और आत्मा में कितनी पावर कैसे जाती है, केवल थॉट मात्र, संकल्प मात्र से आत्माओं का सर्जन होता है। उसमें जैसे संकल्पों में पावर होती है इतने प्रकार की आत्माएं बनती हैं। कोई 1 किलो अलग 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 पावर की आत्माएं बनती हैं। और आत्माएं जब जन्म धारण करती है तब 5 तत्वों का शरीर धारण करती है। उसको अलग अलग हम नाम देते हैं, शरीर शरीर को अलग अलग नाम देते हैं, जीवात्मा दुरात्मा है। तो ये सभी आत्माओं का वर्णन भी करना है तो मतलब कई घंटों चाहिए, आत्माओं के वर्णन के लिए कई घंटों चाहिए। देवात्माओं का स्वर्ग नरक ये सभी वर्णन करने के लिए भी वर्णन चाहिए। देवात्माओं का शरीर भी 3 तत्वों में होता है तो वो भी सर्जन कैसे होता है, 3 तत्वों की दुनिया कैसे होती है जिनको हम स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग और नरक क्या है वो भी समझने के लिए हमें कई करोड़ों कल अवर्स चाहिए ये सब चीजें समझने के लिए।